पहला सवाल है, वह कौन सा जानवर है जिसकी गर्दन सबसे लंबी होती है? आपके ऑप्शन है ए भालू, बी ऊंट, सी हिरण की, डी जिराफ। आपका सही जवाब होगा डी जिराफ। आपका दूसरा सवाल है, किस देश ने आयुर्वेद दवाइयों की खोज की थी? आपके ऑप्शन है ए भारत में, बी चीन में, सी जापान में, डी अमेरिका में। आपका सही जवाब होगा ए भारत में। आपका तीसरा सवाल है, कंप्यूटर की खोज किसने की थी? आपके ऑप्शन है ए मैडम क्यूरी ने, बी न्यूटन ने, सी चार्ल्स बैबेज ने, डी हेनरी ने। आपका सही जवाब होगा सी चार्ल्स बैबेज ने। आपका चौथा सवाल है, संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए कमल, बी गुलाब, सी चमेली, डी रेफ्लेशिया। आपका सही जवाब होगा डी रेफ्लेशिया। आपका पांचवा सवाल है, गांधी जी ने दांडी यात्रा कहां से शुरू की थी? आपके ऑप्शन है ए अजमेर से, बी मुंबई से, सी राजस्थान से, डी गुजरात से। आपका सही जवाब होगा डी गुजरात से। रोजाना ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑन कर लीजिए। आपका छठा सवाल है, ऊंट किस राज्य का राजकीय पशु है? आपके ऑप्शन है ए केरल का, बी राजस्थान का, सी छत्तीसगढ़ का, डी भोपाल का। आपका सही जवाब होगा बी राजस्थान का। आपका सातवां सवाल है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? आपके ऑप्शन है ए भगत सिंह ने, बी महात्मा गांधी ने, सी सुभाष चंद्र बोस ने, डी जवाहरलाल नेहरू ने। आपका सही जवाब होगा बी महात्मा गांधी ने। आपका आठवां सवाल है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए दिल्ली, बी मुंबई, सी बेंगलुरु, डी कोलकाता। आपका सही जवाब होगा बी मुंबई। आपका नौवां सवाल है, किस फल को अमृत फल के नाम से भी जाना जाता है? आपके ऑप्शन है ए जामुन को, बी केला को, सी आम को, डी अमरूद को। आपका सही जवाब होगा सी आम को। आपका दसवां सवाल है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी राजस्थान, डी मध्य प्रदेश। आपका सही जवाब होगा सी राजस्थान। रोजाना ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑन कर दीजिए। आपका अगला सवाल है, क्या है महात्मा गांधी की अंतिम शब्द क्या थे? आपके ऑप्शन है ए हे राम, बी जय हिंद, सी वंदे मातरम, डी सत्यमेव जयते। आपका सही जवाब होगा ए हे राम। आपका अगला सवाल है, 12
गाय के दूध में कौन सा विटामिन होता है? आपके ऑप्शन है ए विटामिन के, बी विटामिन ए, सी विटामिन बी, डी विटामिन सी। आपका सही जवाब होगा डी विटामिन सी। आपका अगला सवाल है 13। गौतम बुधवार के बचपन का क्या नाम था? आपके ऑप्शन है ए राहुल, बी गौतम, सी सिद्धार्थ, डी आकाश। आपका सही जवाब होगा सी सिद्धार्थ। आपका अगला सवाल है 14। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए 15 फरवरी को, बी 26 अगस्त को, सी 14 सितंबर को, डी 18 दिसंबर को। आपका सही जवाब होगा सी 14 सितंबर को। आपका अगला सवाल है 15। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? आपके ऑप्शन है ए गंगा नदी के, बी नर्मदा नदी के, सी यमुना नदी के, डी गोदावरी नदी के। आपका सही जवाब होगा सी यमुना नदी के। रोजाना ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑन कर लीजिए। आपका अगला सवाल है 16। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए बुधवार ग्रह, बी मंगलवार ग्रह, सी शनि ग्रह, डी बृहस्पतिवार ग्रह। आपका सही जवाब होगा डी बृहस्पतिवार ग्रह। आपका अगला सवाल है 17। विश्व का ऐसा कौन सा देश है जहां मच्छर नहीं पाए जाते हैं? आपके ऑप्शन है ए भारत, बी फ्रांस, सी नेपाल, डी अमेरिका। आपका सही जवाब होगा बी फ्रांस। आपका अगला 18 नंबर सवाल है, भारत में सबसे पहले मेट्रो ट्रेन किस शहर में चलाई गई थी? आपके ऑप्शन है ए दिल्ली में, बी गोवा में, सी मुंबई में, डी कोलकाता में। आपका सही जवाब होगा डी कोलकाता में। आपका अगला सवाल है 19। चाय के साथ क्या खाने से आदमी मर सकता है? आपके ऑप्शन है ए बिस्किट, बी रोटी, सी डिप, डी हल्दी। आपका सही जवाब होगा डी हल्दी। अब ये सवाल आपके लिए, आप सभी इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपका सवाल है एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? आपके ऑप्शन है ए 7 दिन, बी 6 दिन, सी 8 दिन, डी 5 दिन। आपका सही जवाब क्या होगा इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑन कर लीजिए। धन्यवाद।